दोस्तों, अगर आपने अपना नेम फेसबुक पे चेंज कर लिया है, लेकिन आप चाहते हैं फिर कि जो पहले नेम था वही दोबारा आ जाए, लेकिन फेसबुक के रूल्स के मुताबिक आपको 60 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, मतलब 2 महीने के बाद आप दोबारा चेंज कर सकते हैं। या आपका फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था और आपने अपना अकाउंट रिकवर कर लिया है, लेकिन उसने आपका नाम चेंज कर दिया था और आप चाहते हैं कि जो नाम आपका पहले था वो दोबारा आ जाए और आपको 60 दिन का जो इंतज़ार करना पड़ता है वो ना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे दोबारा अपना नेम जो पहले था वो दोबारा ला सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, अगर आपको बार बार कोई आपकी टाइमलाइन पे टैग कर रहा है, मतलब आपके फ्रेंड्स आपको हर स्टेटस या हर पिक्चर के साथ टैग कर रहे हैं और आपकी टाइमलाइन पे उनकी जो फोटोज़ हैं वो शो हो रही हैं और आप चाहते हैं कि उनकी फ़ोटोज़ आपकी टाइमलाइन पे शो ना हो और कोई आपको टैग ना करे और आप टैग ब्लॉक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखते रहे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हो। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है इमरान परदेसी के नाम से, आप इसे यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक का पेज है, आप यहाँ पे क्लिक करके पेज को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को मोबाइल पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना है और साथ में आपको एक बेल का आइकॉन, घंटी का आइकॉन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी यहाँ पे ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी वीडियोज यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि हमने जो नेम चेंज कर दिया था उसको दोबारा हम कैसे ला सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले अपना नेम चेंज करेंगे और उसके बाद दोबारा वही नाम हम ले के आएंगे। अभी उसके लिए आपको 60 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पर जो अपना नेम है इसको चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ इमरान परदेसी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमरान ट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं चेंज पे क्लिक कर देता हूँ। तो फेसबुक मुझसे पूछ रहा है, आप वाकई ये चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इमरान ट्रिक्स रखना चाहते हैं या ट्रिक्स इमरान। तो मैं इमरान ट्रिक्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपना पासवर्ड लिया उसको एंटर करता हूँ। उसके बाद सेव चेंज पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम जो चेंज हो चुका है, अभी इमरान ट्रिक्स आ चुका है। आप चलिए प्रोफाइल पे भी आप क्लिक करके आपको शो करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम इमरान परदेसी से भी इमरान ट्रिक्स हो चुका है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो अभी ये नेम ठीक नहीं, मैं जो पहले मेरा नेम था इमरान परदेसी वो दोबारा लाऊं। तो चलिए मैं दोबारा ट्राई करता हूँ कि ये कैसे होगा। तो दोस्तों, सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा आ चुका है कि आप ये नेम चेंज नहीं कर सकते, आपको 60 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है ऐड अदर नेम्स, उनसे वो होता है कि आप जो मेन नेम है वो चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप निक नेम रख सकते हैं कोई, लेकिन आपका जो नेम मेन पेज पे आता है वो आपको 60 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये मैं अभी करूँ, 60 दिन का इंतज़ार ना करूँ। तो ये कैसे होगा, चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर क्लिक करें और यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएं। सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग में आ जाएं। उसके बाद आप पेज के बिल्कुल नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, डीएक्टिवेट योर अकाउंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। उसके बाद नीचे ऑप्शन होगा डीएक्टिवेट योर अकाउंट, आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद फेसबुक आपसे कुछ ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब आपको सेलेक्ट करना होगा इनमें से कि आप अपना अकाउंट को क्यों डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो घबराइए मत, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा तरीका है जिससे हम वो नेम वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डीएक्टिवेट योर अकाउंट। तो मैं यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा माई अकाउंट वॉज हैक्ड, इस पे क्लिक कर देता हूँ। आपके पास हो सकता है ये चौथे नंबर पे हो या पांचवें नंबर पे, लेकिन मेरे पास ये तीसरे नंबर पर है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको सिक्योर योर अकाउंट, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें तो आपका अकाउंट सिक्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फेसबुक ने बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो कर दी है। Select your name,
तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो नेम पहले वाले जो मैंने कुछ देर पहले जो 12 मार्च को मैंने चेंज किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है, इमरान ट्रिक्स और इमरान परदेसी। तो हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पे इमरान परदेसी सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हो सकता है किसी का अकाउंट हैक हो गया हो या किसी के दोस्त ने कर दिया हो या आपने बाई मिस्टेक नेम चेंज कर दिया हो। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो पहले वाला नेम है वो दोबारा आ जाए, तो आप जस्ट मैं यहाँ पे इमरान परदेसी पे क्लिक करता हूँ जो कि मेरा पहले था। जो भी इमरान ट्रिक्स मैंने रखा वो मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे क्लिक कर दें जो कि आपकी ईमेल एड्रेस है, और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। तो यहाँ पे फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि गेट लॉग इन अलर्ट्स, कि आपको कोई नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे आए या नहीं, तो आप यहाँ पे इन दोनों में क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे गो टू न्यूज फीड पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जो टाइमलाइन पे क्लिक करें, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेम हमने चेंज किया था वो यहाँ से चला गया है, और हमारा जो पुराना नाम था इमरान परदेसी के नाम से वो यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी अकाउंट हैक हो जाता है और कोई चेंज कर लेता है और आप अपना अकाउंट रिकवर कर लेते हैं, या आप बाय मिस्टेक यहाँ से अपना नाम चेंज कर लेते हैं और चाहते हैं कि दोबारा आ जाए, तो आप इसी तरीके से बआसानी 2 मिनट में अपना नाम वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल में भी आईडी लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन बार पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अकाउंट सेटिंग में आ जाएं। अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग में आ जाएं। उसके बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शन डीएक्टिवेट नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे सेम जैसे हमने पहले किया था यहाँ पे आपने क्लिक करनी है माई अकाउंट वॉज हैक्ड। और उसी तरह आपसे पूछेगा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, और आपने वहां पे आपको ये नेम और इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। तो ये बहुत ईजी है दोस्तों, ये 2 मिनट में आपसे हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि हम टैगिंग को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके फ्रेंड्स आपको बार बार किसी भी तस्वीर या स्टेटस के साथ टैग कर रहे हैं और आपकी वो टाइमलाइन पे शो हो रही है, और आप चाहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को फेस ना करें या आपकी टाइमलाइन पे किसी की फोटो या स्टेटस शो ना हो। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो आपकी टाइमलाइन पे विजिट करते हैं तो उनको लगता है कि ये तस्वीरें आपने अपलोड की। वो ऊपर ये नहीं चेक करते कि ये टैग की हुई है किसी ने या किसी और ने आपको टैग किया, वो ये चेक करते हैं कि ये आपकी टाइमलाइन पे है। तो कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं कि जो आपको अच्छी नहीं लगती या वो ठीक नहीं होती लेकिन आपकी टाइमलाइन पे शो होती है। तो चलिए जानते हैं हम उनको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं या उनको हम अपनी टाइमलाइन पे कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पे सेम जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर क्लिक करनी पड़ेगी और यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएं। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, टाइमलाइन एंड टैगिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर 2 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, तो आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे ओनली मी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे भी एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा एडिट, आपने उसके ऊपर भी क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है डिसेबल, आपने यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये सेटिंग करने के बाद क्या होगा कि जो भी आपको टैग करेगा उसको यही लगेगा कि आप उसकी तस्वीर के साथ टैग हो गए हैं, लेकिन वो आपकी टाइमलाइन पे शो नहीं होगी। जब तक आप उसको परमिशन नहीं देंगे वो आपकी टाइमलाइन पे शो नहीं होगी, मतलब उसकी तरफ से हो जाएगी लेकिन आपकी टाइमलाइन पे शो नहीं होगी। इससे क्या होगा कि आप जितनी भी तस्वीरें या जो भी स्टेटस आपको टैग होते हैं आपके साथ, जो आपकी प्रोफाइल के साथ या आपकी टाइमलाइन के साथ, वो ब्लॉक हो जाएंगे जब तक आप उनको खुद नहीं चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आप दिल करेगा वो उसको टैग हो जाएगा आपके साथ, और जो नहीं आप चाहेंगे आप उसको रहने दें, वो टैग नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।